तिकडे स्वाय नमो श्रीमद भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का मात्र। दुनिया में चोर कोई नहीं है, दुनिया में बेईमान कोई नहीं है। अपने मन के अंदर के चोर को आप दूर करें, अपने मन के बेईमानी को दूर करें, अपने मन में सत्यता जगाएं तो प्रभु का वास हो जाएगा। श्रीमद भागवत गीता के द्वितीय दूसरे अध्याय का मात्र। भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्मा का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब अन्य अध्याय के महात्मा को स्मरण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके लंबे समय तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। खूब यज्ञ किया पर शांति नहीं मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभाचरण करते हुए उन्होंने बहुत से समय बिता दिया। फिर एक दिन पृथ्वी पर उन्होंने समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नाशिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांति चित्त थी। निरंतर परमात्मा के चिंतन में सगल देव परमात्मा के आनंद में वो रहती थी। देव शर्मा उन नित्य संतुष्ट तपस्वियों को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, ही महात्मा मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी। तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सौपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो कि बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही उपदेश तुम्हें सुना देंगे। मतलब एक बकरियों का चरवाहा था, वो तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली सौपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंदा तेरे कशी निश्चर हो रहे थे। मतलब आनंद भाव में ही वो उसके नेत्र गीले हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। मतलब उस स्थान पर कोई किसी का विरोधी नहीं था, जैसे शेर गाय इकट्ठी हो जाए। उस उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत स्वभाव से बैठे थे। मित्रवान दया से भरी आनंदमयी मनमोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानव अमर छिड़क रहा हो। मित्रवान बड़ा ही तपस्वी था। इस रूप में उसे देख कर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सव होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास ले गए। मित्रवान ने भी उन्हें अपने मस्तक को किंचित रमाकर देव शर्मा का सत्कार किया। यानी ब्राह्मण गया तो उन्होंने नमस्कार किया। तंत्र विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए। जब उनके ध्यान का समय समाप्त हो गया था, उन्होंने अपने मन की बात पूछी। उन्होंने ये पूछा कि हे महाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। इस मनोरथ को पूर्ति के लिए मुझे कोई ऐसा उपदेश बताइए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सके। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण कुछ विचार करके कहा। उसके बाद कहा कि विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर शेर यानी व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानव सब को खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु के से डरने लगा, इसलिए व्याघ्र को आती देख बकरियों को झुंड को आगे करके वहाँ से भाग गया। किंतु एक बकरी तुरंत इशारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसी इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर का मांस निकाल कर प्रेम पूर्वक खा। यानी शेर के पास पहुंचकर बकरी कह रही है कि खा, तुम इतनी देर से क्यों देख रहे हो, मुझे खाने का तुम्हारे मन में विचार क्यों नहीं आ रहा। तो व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन का द्वेष भाग दूर हो गया। ये स्थान ऐसा है, मेरी भूख प्यास मिट गई है, इसलिए पास आने पर भी मैं तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के यूं कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई, यानी मैं भी पता नहीं। बकरियां बोली, मैं भी पता नहीं, तुम्हें ठीक का डर नहीं लगा, क्या है, क्या तुम जानना चाहते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता कि क्या है, क्यों नहीं मैं तुम्हें खाना चाह रहा, मैं शेर बकरी को क्यों नहीं खाना चाह रहा,
बकरी भी क्यों नहीं डर रही, ऐसे स्थान का क्या प्रभाव है? तो सामने खड़े हुए महापुरुष से पूछो, ऐसा निश्चर करके भी दोनों वहाँ से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव से है पवित्र प्रवर्तन देख कर में बहुत विस्मय हुआ। इतने में ही उन्होंने मुझे आकर प्रश्न किया, वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था, उन दोनों के साथ मैंने वानर राज से पूछा, विप्रवर मेरी मेरे पूछने पर वानर राज ने आदरपूर्वक कहा, अजापाल सुनो, इस विषय में तुम्हें प्राचीन विचार सुनाता हूँ। यह सामने मन के भीतर जो बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो, इसमें ब्रह्मा जी का यह मंदिर ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ है। वहाँ एक शिवलिंग है, पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में फूलों का संग्रह कर लाते थे और नदी के जल से ही पूजनी भगवान शंकर का स्नान कराकर उन्हें सूर्य की पूजा कर दिया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करती थी। बहुत समय के बाद भी समीप किसी के अतिथि का आगमन हुआ तो सुकर्मा के पास जब अतिथि का आगमन हुआ तो भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान मैं केवल तत्व ज्ञान इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परफेक्ट होकर मुझे मिल गया क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष मुझ पर अनुग्रह किया। सुकर्मा के मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, ब्राह्मण इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। जो कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्धान हो गए, यानी ऐसे दिव्य महात्मा आए परीक्षा लेने के लिए आए, देखते ही देखते अंतर्धान हो गए। सुकर्मा के सामने भागवत गीता का द्वितीय अध्याय लिख के गायब हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर आश्चर्यजनक होकर उनके आदेश को निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगा। उसके बाद लंबे समय के बाद में शुद्ध होकर वह आत्मज्ञान की प्राप्ति उसको हो गई। फिर जहाँ तहाँ गए महामाता भुवन शांत हो गया, उनकी शीत उष्ण राग द्वेष आदि की बाधा दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा, वायु सर्वदा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। भागवत का द्वितीय अध्याय, भागवत गीता का यानी इसका द्वितीय अध्याय बड़ा ही पावरफुल है, इस बात में कोई शंका नहीं। मित्रवान कहता है, वानर राज यूं ही कहने पर प्रसन्नतापूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहाँ जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आपूर्ति करते मैंने तपस्या पार पा लिया। अतः बद्धपुर तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आपूर्ति किया करो, ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं होगी। यानी द्वितीय अध्याय का जो पाठ करता है उसको मुक्ति मिल जाती है। सुनो, भगवान कहते सुनो प्रिय, मित्रमान किस प्रकार आदेश देने पर देव धर्मा उसका पूजन किया और प्रणाम करके पुरंदरपुरी की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने सारा वृतांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनके उपदेश पाकर शुद्ध अंतगण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने प्रशंसा के योग परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया है, यानी नारायण भगवान कहते लक्ष्मी जी थे कि द्वितीय अध्याय का पाठ इतना है कि देव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे वो भी मुक्त हो गए। ये भागवत का भागवत श्रीमद भागवत गीता का अर्जुन को उपदेश दिया है, उस उपदेश को शेयर करें। ये दिव्य वेद और प्राण उपदेश करने से हमारे मन के चोर दूर हो जाएगा, हमारे मन में शांति आएगी, मन को शीतलता मिलेगी, परब्रह्म को जानने के तत्व अपने आप ही भगवान की कृपा से प्रकट होंगे और बाकी दुनिया में कोई नहीं, कुछ नहीं है, मोह माया है सब। आदमी यूं ही भग रहा है फालतू में, पैसे कमाते कमाते आदमी मर जाता है, ना अपने लिए समय दे पाता है, ना प्रभु के लिए समय दे पाता है, और बिना भजन पूजा के सब कुछ मिलता है उसको, तो उसको मिथ्या समझ लगता है। दोस्तों, हमारे वेद और पुराण हैं, इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। हर हर महादेव की जय।